ड्रग्स की कहानी की शुरुआत शुरू होती है सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री से। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत में ड्रग्स कनेक्शन का मामला सामने आते ही बॉलीवुड में हड़कंप मचता है। उसके बाद कहीं ना कहीं ड्रग्स इंडस्ट्री का जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं टीवी इंडस्ट्री पे शिफ्ट होता है और अब यह क्रिकेट की तरफ घूम चुका है। जी हाँ, आईपीएल की तरफ। जी हाँ, शालिन चोपड़ा ने कई एक्सक्लूसिव दावे किए हैं। जी हाँ, इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि आईपीएल में ड्रग्स पार्टी और कोकीन इस्तेमाल होता है। जी हाँ, एबीपी के न्यूज रूम में जब इंटरव्यू के दौरान शालिन चोपड़ा साफ सीधी कहती है कि वो एक बार कोलकाता नाइट राइडर्स की मैच देखने के लिए कोलकाता गई हुई थी, उसके बाद जो इवेंट होता है मैच खत्म होने के बाद जो इवेंट होता है उस इवेंट को वो ज्वाइन करने गई थी और उस इवेंट के बाद जब वो पार्टी ख़त्म होती है तो वो देखती है कि जो स्टार की पत्नियां, जी हाँ, जो क्रिकेटर की जो पत्नियां हैं वो कहीं ना कहीं कोकिंग लेते हुए दिख रही है। जी हाँ, वो कहाँ ले रही है, वो वॉशरूम में ले रही है। जी हाँ, बाथरूम में स्टार की कई, मतलब जो क्रिकेटर स्टार हैं, जो स्टार खिलाड़ी हैं, उनकी पत्नियाँ, जी हाँ, उनकी पत्नियाँ हैं जो कहीं ना कहीं ड्रग्स लेते हुए, कोकिंग लेते हुए नज़र आ रही है। यानी कि साफ सीधी शब्दों में कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बारे में बोला जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि स्टार की पत्नियां, फिल्म स्टार की पत्नियां होती हैं, जो उन्होंने साफ सीधी कहा कि क्रिकेटर है और उनकी पत्नी फिल्म स्टार है, तो कहीं ना कहीं अनुष्का शर्मा के बारे में बोला जा रहा है। साफ सीधी उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से जो वहाँ के जो माहौल था, वॉशरूम का जो माहौल था, पूरी तरीके से जो ड्रग्स वाला माहौल था, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई हैश ले रहा है, कोई बीएड ले रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने साफ से दिखाया कि ये कोकिन का इस्तेमाल होता है आईपीएल के मैच में। तो ये पहला एक्सक्लूसिव आ रहा है कि अब जो ड्रग्स कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं आईपीएल की तरफ मूव हो चुकी है। अब देखना है कि शालिन का जो दावा है वे कितना एनसीबी इस दावे को लेती है। हालांकि अभी तक एनसीबी की तरफ से कोई भी इसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया है कि आईपीएल की तरफ वो जो ड्रग्स का जो कनेक्शन है उसकी तरफ जो जांच होगा वो उधर होगा कि नहीं होगा। लेकिन उन्होंने साफ सीधी कहा, जिस तरीके से वॉशरूम में जो माहौल था, जो मैं थी वो लेडीज़ बाथरूम की तरफ थी और कहीं ना कहीं यही माहौल जो जेंट्स बाथरूम होगा उसमें भी यही माहौल देखने को मिल सकता था। लेकिन उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ लेडीज़ बाथरूम का उन्होंने हवाला दिया कि लेडीज़ बाथरूम में जो क्रिकेटर की पत्नियां हैं वो कोकिन लेते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस पर अभी तक शालिन ने जो कोई भी एनसीबी से शिकायत नहीं किया है, ना ही इस पर अभी तक एनसीबी की तरफ से कोई भी ऑफिशियली कोई भी खबर पुख्ता किया गया है। लेकिन जो ड्रग्स कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं अब आईपीएल की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है।